रामखैरा के एक व्यक्ति से एम्बुलेंस के चालक ने मांगे 200 रुपये, नहीं दिया तो नहीं पहुंचाया अस्पताल प्रबंधन से की पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत। सीधी जिले के अंतर्गत ग्राम खैरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसने एम्बुलेंस के चालक को पैसे नहीं दिए, जिसके बाद एम्बुलेंस के चालक ने उन्हें जिला अस्पताल तक नहीं पहुँचाया। दरअसल मामला आज सोमवार का बताया गया है, जहाँ 12:30 बजे दोपहर को उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई, जिसके लिए उसे जिला अस्पताल लाना था, जहां उसने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, जहां एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन उसने 200 रुपये की मांग की, जहां एम्बुलेंस के चालक के 200 रुपये मांग करने के बाद जब उसने पैसे नहीं दिए तब वो ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद प्राइवेट ऑटो वाहन के माध्यम से जिला अस्पताल ले गए और पीड़ित व्यक्ति ने प्रबंधन से शिकायत की, जहाँ सिविल सर्जन ने जाँच एवं कार्यवाही का भरोसा दिया है और कार्यवाही की बात कही है। कहाँ से आए भैया? हम खैरा से आए। क्या लेके जा रहे हैं? अरे डिलीवरी लेके जा रहे हैं, देखिए बैठे हैं, ऑटो अपने घर से मंगाए हैं, बाजू में है चाचा हमारे हैं, उन्हीं को मंगाए हैं। नहीं तो कहे एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि पैसा हमको चाहिए 200-250 रुपए तब लेके पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, पैसा मांगते हैं? कोई बोलने वाला नहीं, खाली सोचते हैं कि बोलेंगे तो फिर दिखाना पड़ेगा सामने। हाँ, पैसा मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। आपसे कितना मांगे? अरे हमसे 200 रुपए मांग रहे थे। 200 मांग रहे थे? 200 मांग रहे थे। पहचान जाएंगे कौन मांग रहा था? अरे हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब ड्राइवर है, लोग सब लोग मांगते हैं। पहचान जाएंगे कि नहीं? पहचानने के लिए तो दिखाएंगे, तो सबको पहचान जाएंगे कौन मांगता है कौन नहीं मांगता। मानो हर लोग फंसने की बात किया है, आदमी स्वतंत्र है सब लोग, इसमें क्या दिक्कत है डरने की? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेर अली, खैरा से।